मारवाड़ीज के रिवेंज लेने का स्टाइल एकदम यूनिक है और आज इसी की वजह से बीसीसीआई वर्ल्ड का रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है। तो 1983 वर्ल्ड कप के फाइनल में ब्रिटिशर्स ने बीसीसीआई प्रेसिडेंट को कॉम्प्लीमेंट्री पासेस देने से मना कर दिया था और ये बात बीसीसीआई ट्रेजर जगमोहन डालमिया जी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और बस एग्जैक्ट इसी मोमेंट से बीसीसीआई के दिन बदल गए। 1987 में डालमिया जी ने एशियन कंट्रीज के साथ टीम अप किया और आईसीसी को इंग्लैंड से बाहर इंडिया में वर्ल्ड कप कराने के लिए मजबूर कर दिया। देन 1993 तक बीसीसीआई मैच दिखाने के लिए दूरदर्शन को करता था, बट फिर डालमिया जी ने पहली बार क्रिकेट के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स एक प्राइवेट कंपनी को सेल कर दिए एंड फॉर द फर्स्ट टाइम बीसीसीआई ने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से प्रॉफिट बनाया। फिर डालमिया जी ने इंडियन क्रिकेट टीम के स्पॉन्सरशिप राइट्स भी सेल किए आईटीसी एनविल्स को। बिकॉज ऑफ दीज रीजंस बीसीसीआई के प्रॉफिट्स इंक्रीज होने लगे एंड 1996 तक क्रिकेट वर्ल्ड में बीसीसीआई न्यू सुपर पावर बन गया था। एंड देन 1997 में डालमिया जी आईसीसी के फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट बने। सो बिजनेस हो या क्रिकेट, अगर बात पैसों की है तो मारवाड़ी इसको चैलेंज मत करना।